हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस स्टडी पाठशाला स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 5 नवंबर के, जो कि इन ए डिटेल मैनर न्यूज़ स्टैटिक पार्ट इसमें सब कवर किया है। तो आए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिए और खुद भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेकिन जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे साथ इन इन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जो कि इंस्टा पर ये नाम है, ये सारे, और उन सब की डीपी यही रहेगी। तो आए दोस्तों, फर्स्ट न्यूज़ हमारी स्टार्ट करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $132.8 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $132.8 मिलियन, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए मेघालय में अप्रूव किया है $132.8 मिलियन। तो एडीपी का हेडक्वार्टर है मंडालू योंग फिलीपींस, इसके प्रेसिडेंट है मसा सुगु असाकावा, एंड ये फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966, और इसमें 68 कंट्रीज मेंबर है, और लास्ट जो मेंबर इसकी कंट्री है वो है न्यू, इसकी कैपिटल है अलोफी एंड करेंसी इज डॉलर। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $132.8 मिलियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए मेघालय में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और इसका गवर्नर है सत्यपाल मलिक, और इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है मैरलोन सैमुअल्स ने पूरे फॉर्म ऑफ क्रिकेट में से रिटायरमेंट ले लिया है। यह है वेस्ट इंडीज के बैट्समैन मैरलोन सैमुअल्स, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। अभी कल ही के दिन शेन वॉटसन ने भी रिटायरमेंट ले लिया था, वो थे ऑस्ट्रेलिया से, और इनका नाम है मैरलोन सैमुअल्स, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने C-452 को डिजाइन और बिल्ट करवाया है LNT की मदद से, और ये करा है रत्नागिरी महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया है। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है ये C-452 को डिजाइन किया है और बनाया है LNT ने, जो LNT के CEO है SN सुब्रमण्यम, और ये जुलाई 2017 में अपॉइंट हुए थे, और ये LNT फाउंड की गई थी 7 फेब 1938 मुंबई में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, तो ये वो शिप है C-452। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर है के नटराजन, और ये फाउंड किया गया था 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। वर्ल्ड सुनामी डे हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, तो वर्ल्ड सुनामी की थीम थी स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ओके, तो ये वर्ल्ड सुनामी डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी का संगठन किया है। वो क्यों किया है? तो क्योंकि टेलीविजन रेटिंग एजेंसी को मालूम करने के लिए एक कमिटी सेट की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और उस
उस कमिटी के चेयरमैन है प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति उस कमिटी के चेयरमैन को हेड करेंगे। ये कमिटी का नाम है टेलीविजन रेटिंग एजेंसी की रिव्यू को जानने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी सेटअप की है। उसका उसके चेयरमैन है प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति। तो ये है शशि शेखर वेम्पति और प्रसार भारती का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट न्यूज़, बांग्लादेश और यूएसए ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की है। उसका नाम है कैरेट 2020। कैरेट 2020 बांग्लादेश और यूएसए की एक्सरसाइज है। कैरेट 2020 बांग्लादेश और हिंदुस्तान की है संप्रीति। ओके, एंड यूएसए के साथ तो हिंदुस्तान की बहुत है, जैसे कि वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप। ओके, और युद्ध अभ्यास। और एक अभी रिसेंट आई है मालाबार, जो कि चार देशों के बीच में है। वो है जापान, जापान के साथ, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये चार कंट्री की एक्सरसाइज है मालाबार। नेक्स्ट न्यूज़, नो सर्विस चार्ज इज अप्लीकेबल ऑन द बेसिक सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आज अब से कोई चार्ज नहीं लगेगा ऑन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से, इंक्लूडिंग जनधन योजना, इंक्लूडिंग जनधन योजना। तो ये क्या है, आपको पता है 2005 में नो फ्रिल अकाउंट नाम के अकाउंट खोले गए थे 2005 में। इस नो फ्रिल अकाउंट में ये था कि जीरो बैलेंस अकाउंट से हम बैलेंस खुलवा सकते थे, लेकिन उसको फिर चेंज करके इन्होंने खोला BSBDA, जो कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। ये लॉन्च किया था 2012 में। इसमें इसमें जीरो बैलेंस भी बैलेंस के अकाउंट खोले जाते थे, बस 2005 को ट्रांसफॉर्म करके 2012 में नो फ्रिल अकाउंट हटा के इन्होंने इस नाम से ये खोल दिया। और ये BSBDA जो है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से इंटरलिंक करवा दिया, और 2014 में इंटरलिंक करवा दिया। ओके, तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट के हम टर्म समझते हैं, इन्हें मंथ हम विड्रॉ करते हैं 10,000 रुपये। ओके, और इसमें हमेशा एक 50,000 रुपये का अमाउंट रहना चाहिए, और हर साल हम 1 लाख रुपए इसमें जमा करवा सकते हैं। तो ये है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के टर्म्स। ओके, अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी 2014 को, और ये 4 साल तक थी पहले, बट ये 28 अगस्त 2018 में गवर्नमेंट ने इन्फिनिटी कर दी है। मतलब कि हमेशा ये स्कीम अब रहेगी, हमेशा ये रहेगी। और इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में 10,000 का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए का, और लाइफ इंश्योरेंस है 30,000 रुपए का। ओके, तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना और BSBDA के ये टर्म है, ताकि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट अब से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर कुछ कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग जनधन योजना। ओके, कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स की है, उन्होंने अप्रूव किया है 1810 करोड़ रुपए, 1810 करोड़ का अप्रूव किया है। वो कहाँ पे किया है, वो किया है 210 का जो मेगावाट है लूरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। दो 1800 1810 करोड़ अपने इकोनॉमिक अफेयर कमेटी ने अप्रूव किए हैं। वो क्यों किए हैं, क्योंकि 210 का जो मेगावाट 210 का जो मेगावाट
है लूरी स्टेज। लूरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि रिवर सतलज पे है, जो कि रिवर सतलज पे है और वो सिचुएटेड करता है शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ऑफ हिमाचल प्रदेश का। शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए 810 करोड़ रुपए इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव की है। क्यों अप्रूव की है? 210 मेगावाट का जो लूरी स्टेज वन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए, और जो कि रिवर सतलज पे है। ओके, तो ये थी ये वीडियो, ये थी ये न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर जो है प्रहलाद सिंह पटेल ने इनॉग्रेट किया है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि गुरुवायूर केरला में है, जो कि गुरुवायूर केरला में है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। और इसके टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर किया है प्रसाद स्कीम के तहत। प्रसार स्कीम के तहत ये कहाँ पर लॉन्च किया है? गुरुवायूर केरला में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। और प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह मध्य प्रदेश, दमोह मध्य प्रदेश। अभी देखते हैं हम प्रसाद स्कीम क्या है, लेकिन उससे पहले प्रसाद का हम फुल फॉर्म समझते हैं। पिलग्रिमेज रिज्यूविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रिज्यूविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। और ये प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। एक गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम में हम जो हमारे ओल्ड ओल्ड पिलग्रिमेज साइट है उसको डेवलप करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी ये जो हमारी पिलग्रिमेज साइट है, जो भी पिलग्रिमेज साइट है उसको अच्छे से डेवलप करेंगे, तो ये आती है प्रसाद स्कीम में। और इसका जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो स्टार्ट करा है वो किया है गुरुवायूर केरला में। किसने किया है? वो किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। ओके, तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़, देहरादून में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है प्लास्टिक लॉ मास्क ले जाओ। प्लास्टिक लॉ मास्क ले जाओ वो इसलिए किया है ताकि हम अपने प्लास्टिक को वेस्ट करने से बचे और कोरोना वायरस को भी हराए ताकि मास्क पहनकर। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है देहरादून की तरफ से। तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। प्रियंका राधा कृष्ण ने हिस्ट्री क्रिएट करी है। वो इसलिए किया है क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है, मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर बनी है प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। करेंसीज डॉलर। प्रियंका राधा कृष्णन ये नाम जरूर याद रखिए। आप न्यूजीलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये थी हमारी न्यूज़। अभी हम आते हैं स्टैटिक पार्ट पर, जो कि कंट्री कैपिटल करेंसी है। बेलोरिस की है मिंस करेंसी रूबल। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स करेंसी यूरो। बेलिस की है बेलोमोपन डॉलर। बेनिन पोर्ट नोवो फ्रैंक। भूटान की है थिम्पू नगुलतरम। अभी फेमस बुक एंड ऑथर और उनकी बायोग्राफी। भारत शत्रुघ्न सिन्हा की है बुक एनीथिंग बट खामोश, और इसके ऑथर है भारती एस प्रधान। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, और इसके ऑथर है बोरिया मजुमदार। क्रिस गेल की है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। क्रिस गेल की है ऑथर ये है। एबी डिविलर की है एबी द ऑटोबायोग्राफी, और इसके लेखक एबी डिविलर ही। सानिया मिर्जा की है एस अगेंस्ट हॉट, और इसके ऑथर है सानिया मिर्जा। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल। अभी जो बैंक मर्ज हुए थे ये उनकी है। इंडियन बैंक मर्ज किया था इलाहाबाद बैंक से, यूनियन बैंक किया था आंध्रा बैंक और कॉरपोरेट बैंक, कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक से हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और देना बैंक से, कैनरा बैंक, यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक से मर्ज हुआ था।
तो ये थी वीडियो दोस्तों। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर डालिए। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।